तो मुझे लगा नहीं था कि किसी एनिमेटेड मूवी को देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाऊंगा कि मुझे रोना आ जाए, और वो भी ऐसी मूवी के लिए जो आज से 33 ईयर्स पुरानी हो। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की विंटेज मूवी टॉक वीडियो में मैं बात करूंगा ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज मूवी के बारे में, जो कि एक वॉर बेस्ड सिचुएशन मूवी है एंड ये 1988 में रिलीज हुई थी। हालांकि मैं कोई भी फॉरेन मूवी को हिंदी डबिंग के साथ देखना प्रेफर नहीं करता, पर इस मूवी की हिंदी डबिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलो यार फिर शुरू करते हैं। तो मूवी का मेन थीम एक लड़के और उसकी बहन के अराउंड रिवॉल्व करता है, जो अपनी आंखों देखी सिचुएशंस और मुसीबतों को बताते हैं, कैसे जिंदगी बदल जाती है और उन मासूमों को भी उस जिंदगी का हिस्सा बनना पड़ता है, जिसकी शायद उन्होंने ना ही कभी मांग करी थी और ना ही सोचा था कि उन दोनों को ऐसे हालातों में जीना पड़ेगा। मूवी स्टार्ट होती है वर्ल्ड वार टू के एंड के बाद एक स्टेशन से, जहां पर सेता अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। सेता की डेथ माल न्यूट्रिशन के कारण हो जाती है। स्टेशन पर वर्कर्स जब सेता को देखते हैं तो कहते हैं कि एक और लड़का मारा गया। एंड यहां से हमें पता चलता है कि सिर्फ सेता ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को खो दिया है। इसके बाद वर्कर्स को सेता की पॉकेट में एक टिन का कैन मिलता है, जिसे वो दूर फेंक देते हैं। कैन के अंदर से कुछ बोन्स और ऑर्ब्स निकलते हैं एंड हमें दिखती है लिटिल इनोसेंट सेत्सुको। सेत्सुको की भी डेथ हो चुकी है एंड ये पार्ट मूवी का बहुत इमोशनल है कि कैसे बेचारी सेत्सुको की मौत हो जाती है। इसके बाद सेत्सुको की स्पिरिट अपने भाई की स्पिरिट के साथ एक ट्रेन पकड़कर निकल जाते हैं एंड मूवी एक फ्लैशबैक में चली जाती है। सीन कट होता है एंड खुलता है सेता के घर पे, जहां पर एयर बॉम्ब्स गिर रहे हैं और सेता अपनी मॉम के साथ सेत्सुको को लेकर जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता है। इसी सीन में हमको पता चलता है कि सेता के डैड भी एक नेवी सोल्जर हैं। थोड़ी देर बाद बॉम्बिंग शुरू हो जाती है एंड चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सेता जैसे तैसे करके अपने और अपनी बहन को वहां से निकालकर एक सेफ लोकेशन पर ले जाता है। सेत्सुको सेता से पूछती है कि मम्मी कहाँ है, तो सेता उसे बताता है कि वो एक शेल्टर में है और सेफ है। इसके थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। सेता सेत्सुको को लेकर चला जाता है एंड सीन में एयर बॉम्बिंग के आफ्टरमैथ को दिखाया जाता है एंड इसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। सेत्सुको फिर से एक बार अपनी मम्मी के बारे में पूछती है एंड सेता उसे बताता है कि वो स्कूल में है और अभी वो दोनों वहीं ही जा रहे हैं। स्कूल में पहुंचते ही सेता को पता चलता है कि उसकी मॉम जख्मी है एंड वो तुरंत अपनी मॉम को देखने के लिए निकल पड़ता है। सेत्सुको के एक बार फिर से पूछने पर कि मॉम कहाँ है, सेता बताता है कि मॉम को थोड़ी चोट लगी है एंड वो निशिनोमिया के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। सेत्सुको ये सुनकर रोने लगती है एंड अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि अनफॉर्चुनेटली सेत्सुको और सेता की मॉम की डेथ हो चुकी है। सेता अपनी बहन को उनकी आंट के यहाँ छोड़ के अपनी मॉम का क्रिमेशन करता है एंड उसके बाद अपनी आंट के घर वापस लौट आता है। अब यहाँ से मूवी एक इमोशनल टर्न ले लेती है एंड शुरू होता है सेता का सफर एज अ पेरेंट फॉर हिज सिस्टर। क्योंकि सेता सेत्सुको को नहीं बता सकता कि मॉम अब नहीं रही, इसलिए जितने भी सीन्स में जब भी सेत्सुको ये पूछती है कि ममा कहाँ हैं या फिर वो उनसे कब मिलेगी, तो सीन्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील होते हैं। क्योंकि एज अ व्यूअर हमको तो पता है कि उनकी मॉम नहीं रही, लेकिन सेता को ये जानते हुए भी अपनी बहन से झूठ बोलना पड़ता है एंड उसकी मजबूरी और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि ना ही अब उनके पास अपना घर है और ना ही उनके मॉम एंड डैड। सेता के डैड भी अब इस दुनिया में नहीं रहे एंड ये हमें मूवी में आगे पता चलता है। धीरे धीरे मूवी आगे बढ़ती है एंड भाई बहन के अच्छे पलों के साथ साथ हमें और भी इन्वॉल्व कर लेती है। जिस आंट के यहाँ सेता और सेत्सुको रुके होते हैं, वो भी अब धीरे धीरे उन्हें ताने मारने शुरू कर देती है एंड चाहती है कि वो जल्द से जल्द उनका घर छोड़कर चले जाएं। अपनी आंट के बार बार सुनाने के कारण सेता डिसाइड करता है कि वो अब उनके साथ नहीं रहेगा और सेत्सुको को अपने साथ एक पुराने शेल्टर में ले जाता है जहाँ पर अब कोई भी नहीं रहता। आगे के सीन्स में मूवी एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल राइड पे चली जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उनका राशन अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है एंड सेत्सुको की तबीयत भी बिगड़ने लगी है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन। अपनी बहन को एक टाइम का खाना खिलाने के लिए सेता चोरी भी करता है एंड पकड़ा जाता है। कुछ दिनों बाद सेत्सुको की तबीयत और बिगड़ने लगती है एंड अनफॉर्चुनेटली उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है एंड मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो यार इतना ही था आज की विंटेज मूवी टॉक वीडियो में एंड मुझे भी अब नैरेट करते हुए सेत्सुको के लिए बुरा फील हो रहा है। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना एंड मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।